शारदीय नवरात्रि की नवमी पर जहां देवी मंदिरों के अलावा मां भगवती के नौवे स्वरूप मां सिद्धरात्रि का विधिवत पूजन अर्चन के साथ ही कन्या लांगुड़ा भोज का आयोजन किया गया, वहीं नवमी के मौके पर राधा निवास स्थित गोपाल जी मंदिर में गंगा जी वाले बाबा के सानिध्य में कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा जी वाले बाबा ने 151 कन्याओं को भोजन कराकर उनका विधिवत पूजन अर्चन किया। आनंद स्वरूप गंगा जी वाले बाबा ने कन्याओं के चरण में पखार और माथे पर बिंदी लगाकर वस्त्र उपहार आदि भेंट किए। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालु भक्तों ने भी कन्याओं का विधिवत पूजन अर्चन कर परिवार में सुख शांति की कामना की। कार्यक्रम के संदर्भ में आनंद स्वरूप महाराज गंगा जी वाले बाबा ने जानकारी दी। क्या आयोजन किया जा रहा है? यहाँ कन्या पूजन चल रहा है। शारदीय नवरात्रि के समापन पर कन्या पूजन आज श्री वृंदावन धाम स्थित राधा निवास में गोपाल जी के मंदिर में कन्या पूजन हो रहा है। यहाँ जो भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये वर्ष में दो बार होता है, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इस समय इसके बाद यही कार्यक्रम चैत के नवरात्रियों में सेम इसी प्रकार फिर दोबारा संपन्न होगा। कितनी कन्याओं का पूजन किया गया? इसमें 151 कन्याओं का प्रत्येक वर्ष में दो बार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।